वेलकम बैक इन द कार्डिक एरिथमियाज बेसिक सीरीज। इसमें हम डिस्कस करेंगे एटीएल फ्लटर। जो प्रीवियस डिस्कशन में हमने वन बाय वन जो शुरू किया है उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा अबाउट एट्रियल फ्लटर। ओके सो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। सो एट्रियल फ्लटर क्या है? एट्रियल फ्लटर हमें पता है इट इज अ टाइप ऑफ सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। यदि हमने बेसिक्स ऑफ एरिथमियाज का वीडियो देखा है तो उसमें हमने देखा था कि एरिथमियाज को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन, सुपरा वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। सो ये अभी हमारा एग्जाम्पल है सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ओके होता क्यों ये? इट इज कॉज्ड बाय द री एंट्री सर्किट विद इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के भीतर देयर इज अ री एंट्री सर्किट एंड दैट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ एट्रियल फ्लटर। इसमें एट्रियल रेट इज अराउंड 300 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली जो रेंज होता है 200 से 400 तक होता है, लेकिन यदि हम एट्रियल फिब्रिलेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन में जो रेट है एट्रियल रेट दैट इज बिटवीन 350 टू 600 तक भी होता है। ओके एंड नाउ इन एट्रियल फ्लटर वेंट्रिकुलर रेट इज डिटरमाइंड बाय द एवी कंडक्शन रेशियो, दैट इज डिग्री ऑफ एवी ब्लॉक, एंड द कॉमनेस्ट एवी ब्लॉक इज 2:1 रिजल्टिंग इन अ वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 150 बीट्स पर मिनट। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि देर इज अ वेरिएबल डिग्री ऑफ एवी ब्लॉक, कई बार 2:1, 3:1, 4:1 ब्लॉक्स भी मिलते हैं। ओके उसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर रेट होता है वो डिटरमाइन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है 2:1 इज द मोस्ट कॉमन वन। ओके 2:1 मीन्स 2 पी वेव फॉर 1 क्यू आर एस। ओके 2 पी फॉर 1 क्यू आर एस, सो दिस इज 2:1। ऐसे 3:1, 4:1, 5:1 भी ब्लॉक के बाद एट्रियल फ्लटर में मिलते हैं। तो हियर वी कैन सी एट्रियल फिब्रिलेशन में फिब्रिलरी वेव्स होती हैं, पी वेव हमें दिखाई नहीं देता है, बट इन फ्लटर देयर इज अ टिपिकल शॉर्ट ऑफ द अपीयरेंस दिस वन। ओके ये हमें टिपिकल दिखता है इन फ्लटर। फाइन थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन के बारे में। एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर में क्या होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल शॉर्ट टूथ जो हमने अभी देखा। आर आर लेंथ नॉर्मली इसमें सेम रहता है, बट देयर इज अ फिब्रिलेशन में क्या होता है आर आर लेंथ इज नॉट द सेम, इट इज कम्प्लीटली कैवेटिक इरेगुलर इरेगुलर रिदम होता है जो हमने प्रीवियस अपने डिस्कशन में समझा इसको। ओके हार्ट रेट कितना होता है? एट्रियल रेट नॉर्मली फ्लटर में 250 टू 400 होता है, बट इन फिब्रिलेशन इट इज 350 टू 600 तक भी होता है। ओके एंड वेंट्रिकुलर रेट दोनों में एट्रियल रेट से कम होता है। फाइन रिदम जो होता है एट्रियल फ्लटर में इट इज रेगुलर रिदम, बट इन एट्रियल फिब्रिलेशन वी नो इट इज रिदम इज कम्प्लीटली कैवेटिक और इरेगुलर रिदम होता है। पी वेव टिपिकल कैसा दिखता है? शॉर्ट ऑफ अपीयरेंस इन फ्लटर एंड देयर इज नो पी वेव, ये तो हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का। फाइन पीआर इंटरवल दोनों के केस में मेजर नहीं कर पाते हैं एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0.2 सेकंड। हमें मालूम है कि इट इज अ एग्जांपल ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इसलिए क्यूआरएस ड्यूरेशन इसमें लेस देन 0.12 सेकंड का होता है। ओके और इंटरवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में हमने तीन चीजें डिस्कस किया हुआ है। वन इज थ्रोम्बोइमोलिज्म एंड एंटीकोगुलेशन इंडिकेशन, सेकेंड इज योर रेट कंट्रोल एंड रिदम कंट्रोल। फाइन डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल कंडीशन एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट। वट आर द ईसीजी फीचर्स? ईसीजी में फ्लटर कैसा दिखता है? नॉर्मली जो जनरल फीचर्स होते हैं हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, देयर विल बी रेगुलर एट्रियल एक्टिविटी अराउंड 300 बीट्स पर मिनट, फ्लटर वेब हमें मिलती है, टिपिकल शॉर्ट ऑफ द अपीयरेंस मिलता है, बेस्ट सीन इन लीड 2, 3 एंड एवीएफ, समटाइम फ्लटर वेव्स आर ऑल्सो सीन इन V1, कई बार वो रिजेंबल करता है पी वेफ के जैसा। ऑलराइट एंड देयर इज अ लॉस ऑफ आइसोलेटेड लाइन, बेस लाइन इसमें एब्सेंट होता है एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल डिग्री ऑफ एवी ब्लॉक इसमें दिखता है। ओके हियर वी कैन सी द एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। टिपिकल एग्जांपल ऑफ एट्रियल फ्लटर इन्वर्टेड हम देख सकते हैं, फ्लटर वेव इन लीड 2, दिस वन लीड 2, 3 एंड एवीएफ में, हियर वी कैन सी इन्वर्टेड फ्लटर वेव्स। ओके एंड अपराइट फ्लटर वेव, टिपिकल अपराइट फ्लटर जो पी है यहाँ पे हमें V1 में दिख रहा है। ओके हियर वी कैन सी इफ यू कैन इनलार्ज दिस वन, सो दिस इज योर दिस पार्ट। ओके फाइन एंड देयर इज अ 2:1 ब्लॉक मेंटेनिंग द वेंट्रिकुलर रेट ऑफ अराउंड 150, 2:1 मीन्स एवरी 2 पी 4 पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और रेट हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी अराउंड 300 डिवाइडेड बाई 2 लार्ज स्क्वायर, रेट आ जाएगा 150 पर मिनट फॉर वेंट्रिकल। ओके
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट में कमिंग जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू अपडेट्स एंड द कमिंग अपकमिंग वीडियोज. सो थैंक यू सो मच. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियोज.